वकील को कंट्रोल किया जा सकता है? सर वकील ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। अच्छा, वकील ही तो कंट्रोल्ड है। नहीं, मैं उस चैनल के हवाले से बात करूं कि जो जिस तरह फॉर एग्जांपल यहां पे अक्सर फैसले कराते हैं, पता चला जी जज कंट्रोल्ड है, वो फलाना कोई उसकी तारें हिला रहे हैं कोई फलाना, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है पाकिस्तान में? कुछ वकील कंट्रोल्ड हैं या पाकिस्तान में वकील आपको पता किसी मूवमेंट में शुरू हो जाते हैं तो जा सकते हैं, बड़े तगड़ा किस्म का रेवोल्यूशन ला सकते हैं? अब मामला ये है कि जो आपका सवाल है ना वो ये है कि वकील को कंट्रोल किया जाना, इस सवाल को मैं थोड़ा सा बदलूंगा, क्या वकील को प्रेशराइज किया जा सकता है? ये सवाल बनेगा। सर वकील एक बला है। बला कैसे है? वो जब काला कोट पहन लेता है और जब उसके हाथ में कलम होता है, दिमाग में कानून होता है, तो फिर वो सिर्फ वही काम करता है जो उसका दिल और उसका दिमाग कहता है, राइट? जिसके अंदर इलम होता है ना, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। सही। वो हमेशा पूछेगा, काम बंदा है ना, तो उसको आप कहेंगे कि जी ये एक कानून है, ये एक कानून है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि तलाक के 2 साल बाद भी बच्चा पैदा हो गया, तलाक के 2 साल बाद भी बच्चा पैदा हो गया तो वो उसी बाप का होगा अगर औरत ने शादी नहीं की तो। अच्छा, अब आप ये कैसे आप सोच में पड़ जाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? पड़ गए सोच में, पड़ गए ना। आप मुझे ये बताइए कि एक जो वकील है ना वो सोच में पड़ जाता है, ये कानून क्यों आया, कैसे आया, कहां पर, किस पर इंप्लीमेंट होगा, कौन करेगा, वजह क्या है, शरीयत काज़े पूरे हैं कि नहीं, ये सवाल कौन करता है? वकील करता है। सही। इसके अलावा कई ऐसे कवानीन हैं जिस पर सवाल उठाने वाले वकील हैं, राइट? सही। तो वकील को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, और ये पूरी दुनिया जानती है कि कानूनदानों ने हमेशा अपने मुल्क को एक इनकलाबी मुहिम फराहम की है पूरी दुनिया के अंदर। इवन पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो बनने में भी बड़ा रोल है, बनने से लेकर अब तक बचाने में सबसे अहम किरदार वकला का होगा, इस पे भी मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हाई प्रोफाइल केस अभी पिछले दिनों गुजरा है बलाच का, आपने देखा भी होगा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये बताएं क्या इस प्रोफाइल में भी लोगों को जो पकड़े गए हैं सजा मिल सकती है? अगर आप FIR को देखें तो आपको लगता है कि FIR का क्या रोल प्ले हो सकता है इसकी सजा में? अरशद भाई, काश मिले, हमारी ख्वाहिश है कि मिले। अगर मिलनी होती तो उसके जो अब्बू के कातिल थे उनको भी सजा मिलती, जो उसके दद्दा के कातिल थे उनको भी सजा मिलती। मामला ये है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा वीक है। और क्रिमिनल तगड़ा है? और यहाँ पर क्रिमिनल तगड़ा नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है। क्रिमिनल तो वो एक आम सा बंदा है, वो इसलिए क्रिमिनल बन गया, उसको पता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है, उसको अपना तगड़ा समझ रहा है, वो है नहीं, वो समझ रहा है इसलिए कि उसको पता है कि वो खरीद के, पुलिस को खरीद के अपनी मर्जी की वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है, और जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी अपनी मर्जी की तो उसके मुताबिक कानून का इस्तेमाल करते हुए वो निकल जाएगा, राइट? सही। यही होता है। अगर बलाज के दादा को इंसाफ मिला होता तो शायद ये बलाज के वालद का कत्ल ना होता, और अगर उसको इंसाफ मिला होता तो शायद बलाज का कत्ल ना होता। ये इसलिए मिला कि लोगों के हाथ खुल गए हैं, और वो इसलिए खुल गए हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक है, इंसाफ नहीं होता, फैसले नहीं होते, नतीजे नहीं निकलते, इश्तियारी इनसे नहीं पकड़े जाते। आप जरा अंदाजा कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं आपको, अगर कोई पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करे तो भला क्या होता है? कोई डाकू डकैत पुलिस पार्टी पे हमला करे, उसके इनकाउंटर होता है। कैसे इनकाउंटर होता है? कि जी इसको हम गाड़ी में बिठाकर जेल लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, तो इसके ही साथियों ने इसको बचाने के लिए पुलिस पार्टी पे हमला किया, जिसकी गोलियां इसको लग गई, मौके पे मर गया, काउंटर फायर में मर गए। पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है तो उसके इनकाउंटर होता है, राइट? सही। उसके इनकाउंटर भी होते हैं, उसकी रिपोर्टें भी बनती हैं, चासब उठी जाती है। सही। ओके? लेकिन यही पुलिस जब आम जगह पर आम लोगों के ऊपर अटैक्स होते हैं, आम लोगों के बंदे मारे जाते हैं, तो क्रिमिनल्स मिलते ही नहीं है इनको। आप मुझे ये बताइए कि अगर बलाज वाले केस की हम बात करें तो 10 बजे का गालबन वकुआ है, 10 बजे का गालबन वकुआ, और 11:45 पे FIR दर्ज होगी। इसका मतलब है वकुए से लेकर
एफआईआर के दर्ज होने तक के दरमियान में कितनी देर का टाइम है? 45 मिनट। बिल्कुल, इसका मतलब ऑपरेशन वालों ने हड़ताली मचाई, फौरी तौर पर पता लगा जी बंदा कत्ल हो गया, ये भी पता लग गया जी कौन कौन मुलव्वस है, ये भी पता लग गया कि एप्लीकेशन दर्ज होगी, वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, हॉस्पिटल वालों ने बता दिया बंदा मर गया, नामजद एफआईआर डेढ़ घंटे में एप्लीकेशन लिख कर उस पर साइन करवा के कंप्लेनेंट के उसको टाइप करवा के कंप्यूटर में दर्ज करके एफआईआर लॉज हो जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। हो गई एफआईआर लॉज हो जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। नामजद एफआईआर है जिसमें गोगी और तीफी भट्ट का नाम है, पुलिस का काम नहीं बनता था, हाई प्रोफाइल केस है, गोगी और तीफी को मौके पर पकड़ के वो कैसे भाग गए? हाँ, जहर है सर, ये एक पूरा एक पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है जो इसके बैक एंड पे काम कर रहा है। अच्छा, एक आम आदमी के लिए एफआईआर अगर लेट्स सपोज हक पे भी है बेचारा, तो एफआईआर दर्ज कराना उतना ही मुश्किल है अनटिल अनलेस उसके साथ कोई एमएनए एमपीए या कोई बंदा ऐसा ना चल पड़े जो एफआईआर दर्ज करवा सके। तो ये एक थाना कल्चर की वजह से हो रहा है कि या ये जो आप एक पुलिस गर्दी की बात करते हैं या ये उसकी एक कड़ी है कि जी एक आम आदमी को इंसाफ नहीं देना या इस तरह नहीं मिलना जब तक उसके साथ कोई अटैच नहीं हो जाता? देखिए, एफआईआर एफर्ट्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और 154 जो सेक्शन है ना सीआरपीसी की, वो बड़ी जबरदस्त सेक्शन है जिसके अंदर चीजों को डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, ऑफिसर की जो जिम्मेदारी है, वो ये नहीं है कि वो एविडेंस तलाश करे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पर्चा दर्ज करे। अब मामला ये है कि पर्चा दर्ज करना बहुत मुश्किल कर दिया गया, उसकी वजह हालांकि वजह फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसे आपने बोला ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आंखों देखा आपने कोई हाल बयान की है तो आपकी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो यही है, मामला ये है कि उसके बाद बहुत से मामलात हैं। अब कोर्ट्स ने रूल्स बना लिए कि आप फौरी तौर पे पर्चे दर्ज नहीं करेंगे, ये रूल्स में आ गया, कुछ चीजें इस तरह की डिफाइंड आ गई कि आपने मौके पर देखना जरूरी है कि थोड़ा बहुत काम भी हुआ है कि नहीं। वो क्यों आया? क्योंकि झूठे पर्चे होने शुरू हो गए। झूठे पर्चों की वजह से होता ये था कि जमानत मिलती नहीं थी, अगला बंदा 2 साल का रगड़ा लगा के बाहर आता था तो पता लगता था पर्चा ही झूठा है, पर्सनल दुश्मनी पे सारा कुछ। अब उसका नुकसान ये हो रहा होता था कि अगर हर बंदे का पर्चा दर्ज कर लिया जाए तो फिर तो हर बंदा जेल चले जाएगा। कानून का जो जुडिशियस माइंड था वो ये था कि पर्चा फौरी दर्ज करें, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेशन वाला देखे कि अगर पर्चा झूठा है तो वो रिपोर्ट लिखेगा कि ये बेगुनाह है। वो 3 दिन में पर्चा खत्म। अच्छा, यहां पे होता नहीं है, पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी नहीं पता। पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि मेरे पास पर्चा आया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर हालत मुल्जम नु तुनना है, लेके जाए अदालत पेश करना है इसको। नहीं, वो तुनना है, अदालत तो छोड़ें। अच्छा, वो हर हालत में मुल्जम को तुनता है पकड़ के। उसको ये पता ही नहीं कि उसकी जिम्मेदारी है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना कि आया कि ये जो मुल्जम है जिसके ऊपर इल्जाम है ये मुजरम भी है कि नहीं। मेरी बात समझ नहीं आ रही भाई? जी जी। जिस दिन पुलिस ऑफिसर्स को ये सेंस क्लियर होगी ना कि उनका काम मुल्जम को तुनना नहीं है बल्कि इंसाफ दिलाना है दोनों पार्टीज को, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी पार्टी ने झूठी इंफॉर्मेशन दी और झूठा पर्चा करवाया है तो उसके ऊपर 182 की कार्रवाई हो, और अगर कोई मासूम है तो उसको बेगुनाह डिक्लेयर किया जाए, पैसे लेके नहीं, कानूनी तरीके से उसको बेगुनाह क्लियर किया जाए। तो फिर अगर झूठे पर्चे होंगे भी तो जो झूठा पर्चा कराएगा वो सजा भुगतेगा और जिसके ऊपर झूठा पर्चा हुआ वो 3 दिन में बाहर। सही, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने के लिए एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और इंशाल्लाह छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, इंशाल्लाह 20 से 25 सालों में देखेंगे बहुत तब्दीली आ जाएगी।